चले चलो चलो तो लगभग 1:30-2 बजने को है और इस समय मेला अपने चरम पर होता है और सब जगह भीड़ ही भीड़ देखने को मिलेगी क्योंकि जो सुबह से आ गए थे वो घर जाने का टाइम उनका हो रहा है और जो बाद में आए थे वो लोग अभी पहुंच रहे हैं। थोड़ी देर बैठ के हो चुका तो यह मंदिर की ओर जाने वाला रास्ता है। बड़ा बड़ा पावन तो ला रहे हो बता ये इटो ये चचेर को भव्य लागे अगे भी लागे इटो बस चचेर जाना पहले ये चक्कर मंदिर में जाओ चलते चलते हम लोग पहुंच चुके हैं मंदिर के जस्ट गेट के नज़दीक और ये है पहला गेट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। तो सर्वप्रथम यहाँ पे मंदिर के हम दर्शन करेंगे और इसके बगल में जो ग्राउंड है वहाँ पे लगी है हमारी कुमाऊनी चांचरी और कुमाऊनी चांचरी भी आपको दिखाएंगे। बहुत ज़्यादा भीड़ यहाँ पर लगी है तो और ठीक जय उल्का मैया। तो यहाँ पे लगी हुई है चांचरी और चांचरी में भी हम लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे आपको दिखाएंगे हमारे रंगीली नाकुरी की चांचरी ये है। चलो जय उल्का मैया। तो सबसे पहले दर्शन कराते हैं आपको मंदिर के और उसके बाद चांचरी और मेला दिखाएंगे। बने रहे नागदेव वीडियो में। दिखाते हैं आपको मंदिर परिसर और मंदिर के तीनों तरफ रोड है और बहुत शानदार सा मंदिर पूरा पत्थर का यूज यहाँ पे किया गया है और सीमेंट का लेप भी यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। और सामने है राजकीय इंटर कॉलेज श्यामकोट जो कि अटल उत्कृष्ट कहलाता है और यहाँ पर चली हुई है पहाड़ी रेशेऊ जो कि ओपन में धूप में यहाँ पर बनता है। और वो दिख रहा है इंटर कॉलेज का परिसर नीचे और आगे जो ये वाली रोड है ये रोड जाती है रीमा होते हुए बालीघाट बागेश्वर। बागेश्वर से मात्र 30-40 किलोमीटर की दूरी पर यह उल्का देवी का प्यारा सा मंदिर श्यामकोट जगह का नाम है यहाँ पर स्थित है और यहाँ से जो दूसरा नज़दीकी बस स्टेशन है वो है बेरीनाग का और यहाँ से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर बेरीनाग स्थित है। हाँ
उसको बाद में देखना चीप ले जाओ बाल चट ले जाओ मदे ले जाओ ईंट ले जाओ चार तो मेले और मेलाठियों का दर्शन आपको करा रहे हैं और अनेक प्रकार की दुकानें व्यापारी यहां पर आए हुए हैं अपना अपना सामान लेके। श्याकोट का विगत 8-10 साल से ये मेला लग रहा है और पहले बहुत प्राचीन काल में लगा करता होगा यहाँ पे मेला, आजकल फिर से शुरू किया गया है। चलो अभी लेते हैं। और हम लोग चल रहे हैं सांस्कृतिक मंच की तरफ और जहाँ पे सुबह से ही कार्यक्रम यहाँ पे लगे हुए हैं और आपको कोशिश करते हैं कुछ कार्यक्रम दिखाने की, जो कि मेला कमेटी है श्याकोट की। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि हमारे मित्र पुलिस को बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है, कुछ बच्चे करके दें, इसीलिए श्याकोट का मेला प्रसिद्ध है। और ये श्याकोट का मेला उत्तर वृद्धि इसलिए कर रहा है कि यहाँ पर अराजकता नहीं फैलती है। मेरा आपसे निवेदन है कि आप अराजकता न फैलाएं। आपको अराजकता फैलाने के लिए यहाँ पर नहीं बुलाया गया, आप शांति पूर्वक ढंग से मेले का आनंद लें और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आनंद लें। कोई बच्चा, किसी का बच्चा अगर गलत काम करते हुए पकड़ा जाता है, झगड़ा करता है, तो निश्चित तौर पर उसकी कानूनी कार्रवाई उस पर होनी है। इसलिए आप सबसे निवेदन है, मेरा अभिभावकों से मेरा निवेदन है कि आप। तो ये है कक्षा, कौन सी कक्षा? कक्षा 12वीं में पढ़ने वाले छात्र हैं, इंटर कॉलेज कमेड़ी देवी में ये पढ़ते हैं और इनके द्वारा ये कलाकृति जो है अपने हाथ से, जो ट्रेडिशनल मकान है पहाड़ी और ये श्याकोट का मंदिर है, इस प्रकार अनेक मंदिर केदारनाथ बद्रीनाथ, इस प्रकार की चीज़ें अपने हाथ से गत्ते से ये बनाते हैं। तो बताइए अपने बारे में, आप कैसे बनाते हैं चीज़ें? और जो पुराने न्यूज़ पेपर कितने टाइम से बना रहे हैं? ये 1-2 सालों के बाद बनाते हैं। इस प्रकार की कलाकृति क्राफ्ट वर्क अगर आप सीखना चाहते हैं या अपने हाथ से बनाना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं दीपक गेड़ा से। यहाँ पे चल रहे हैं सांस्कृतिक प्रोग्राम।